नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि क्या वाकई में डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आधार प्रिंट की सर्विस शुरू हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों, UIDAI ने अब ये फैसला लिया है कि वे अपने स्तर पर आधार कार्ड सेंटर खोलेगा। अब किसी थर्ड पार्टी कंपनी को नहीं देगा, वे डायरेक्टली अपने स्तर पर ही आधार का ऑफिशियल सेंटर खोलेगा। इसी के संबंधित मैं यहां पे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्या CSC में आधार प्रिंट की सेवा शुरू हो गई तो कहां से आप लोगों को लॉगिन करना है और कहां से ये प्रिंट होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूँगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, यहाँ पे assistant.uidai.gov.in करके ये पोर्टल, इस पोर्टल को वायरल किया जा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करने वाले VLE भाई हैं, उन लोगों को यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वे लोग यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा टाइप करके, जैसे ही वो लोग सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। वे लोग यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वे लोग किसी भी रेसिडेंट का अपने यूजर आईडी से आधार प्रिंट कर सकते हैं। अब ये कितने हद तक सही है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक डिजिटल सेवा पोर्टल पे इसके संबंधित ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाती है, तब तक इस पे भरोसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पे इसके संबंधित न्यूज फैलनी शुरू हो गई है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को इसके संबंधित जानकारी दे दूँगा। आप लोग यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली आके इस लिंक पे जांच कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे यह भी सूचना निकल के आ रही है, एक रेसिडेंट के आधार प्रिंट करने पर आप लोगों को कुछ रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें कुछ रुपये UIDAI लेगी और कुछ रुपये CSC वैलर से भी कटेंगे। उसके बाद ही आप यहां पे किसी का भी आधार प्रिंट कर पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फिंगरप्रिंट की मदद से डायरेक्टली आधार प्रिंट होता है या फिर नहीं होता है, ये तो इसमें लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल स्टेप में डाउनलोड होगा, यहाँ पे OTP की मदद से ही डाउनलोड होगा, तो फालतू में यहाँ से डाउनलोड करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप लोग डायरेक्टली ई आधार से ही डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन अभी यह बताना मुश्किल है कि क्या और किस तरह से इसमें सर्विसें आप लोगों को मिलने वाली हैं आधार प्रिंटिंग को लेकर। लेकिन यह अभी अफवाह है, जब तक इसमें ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाती है तब तक इस पर आप लोग भरोसा ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लोगों को ऑफिशियल सूचना मिलेगी तो आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो बात हो गई अफवाह वाली न्यूज की, कि जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल में आधार प्रिंट की सर्विस लाइव हो गई। अब बात करते हैं कि आधार का ऑफिशियल सेंटर अब UIDAI क्यों खोल रहा है। दोस्तों, आने वाले समय के हिसाब से, जैसे कि एक स्टेट के जो राजधानी होती थी वहाँ पे ओनली एक ही पासपोर्ट सेवा केंद्र होते थे, लेकिन समस्याओं को देखते हुए हर मंडल वाइज और जिला स्तर पे पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए। सेम उसी तर्ज पे UIDAI भी अपने मंडल वाइज आधार सेवा केंद्र खोलेगी, जहाँ पे आधार बनाने और आधार में सुधार करने की कैपेसिटी 1000 से ऊपर होगी। तो यहाँ पे इस तरह से UIDAI अपना पर्सनल खुद का आधार सेंटर खोलने वाली है, और जो भी बैंकों में या फिर अदर सरकारी दफ्तर में चल रहे हैं उन्हें आने वाले समय में धीरे धीरे समाप्त कर देगी और एक अस्थायी आधार सेवा केंद्र खोल देगी। जो भी आधार के संबंधित शिकायत होगी या फिर काम काज होंगे, वे उन्हीं सेंटरों पे किए जाएंगे। तो इस बेस पे UIDAI इस काम को करने वाली है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो पाए और जो भी काम होंगे वे आधार के ऑफिशियल सेंटर पे ही होंगे। और ओनली जो CSC को मिलने वाला है वे आधार प्रिंट ही मिलने वाला है, उसमें भी कहीं दूर दूर तक एक भी रुपये का बेनिफिट नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम इससे हो पाएगा। तो इससे अच्छा आप लोग इसे ना ही लें तो ही अच्छा होगा। और आपके क्या जवाब होंगे अगर फ्यूचर में बाय द वे ऐसे ही सर्विस मिली कि नॉर्मल आप किसी भी रेसिडेंट का अंगूठे के निशान से प्रिंट नहीं कर पाएंगे, केवल OTP की मदद से प्रिंट कर पाएंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है CSC और UIDAI की तरफ से सभी VLEओं के ऊपर। इस पे आप लोग क्या जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, मैं जो भी बातें बताया हूँ ये 100% सही है, आने वाले समय में कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा मैं कामना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी ना हो। जो भी हो, अच्छी सर्विसें मिले और
हर एक वियरली अच्छा इनकम कर पाएँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।